मेरी एज 18 साल की है और मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। आप प्रेगनेंसी से हो? हाँ जी। और मेरे घर वाले इनकार कर रहे हैं। 3 महीने से प्रेगनेंसी है। 3 महीने से? जी हाँ, हम दोनों शादी करेंगे और बिल्कुल समाज के सामने करेंगे, मंदिर में कर चुके हैं। और इसके अंदर मतलब ये बस हम इतना ही चाहते हैं, वरना हम जो ना कहीं ना कहीं जाकर के दोनों ही मर जाएंगे। अंकल अपनी उम्र तो देखो आप। उम्र छोड़ो इन बातों को। हाँ जी, आप ही का नाम प्रिया है? हाँ जी, मेरा नाम है प्रिया। आपने स्ट्रगल कॉन्टेक्ट करा था मेरे से? हाँ, कुछ परेशानी वाली बात है तभी बुलाया मैंने आपको। मतलब आपकी जो परेशानी वाली बात थी मुझे सुन के थोड़ी अजीब सी लगी, एक बार आप अपने मुँह से बताएंगे? मतलब ये कुछ अजीब ही लगा मुझे। हाँ, अजीब बात ही है तो अजीब लगेगा ही। बात ये है कि मतलब ये मेरे स्कूल टीचर है हिंदी के, और मेरे को ना आहिस्ता आहिस्ता इनसे प्यार हो गया। इनसे? हाँ जी। उसका वो एकदम वो चीज जो है वो ये है कि जो मैं इनका क्लास टीचर हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन पे घर को बुलाता था। अच्छा जी। तो ये भी उसके अंदर आती थी। अच्छा। और क्लास के अंदर भी मेरे को ये अच्छी लगती थी। अच्छा। क्लास के अंदर भी मेरे को ये अच्छी लगती थी, और अच्छे लगने के साथ साथ मैंने अच्छी लगने के साथ मैंने इसको भी बुलाना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे बच्चों को मैंने हटा दिया। अच्छा। कम होते चले गए, और इसका भी कुछ पता नहीं एकदम से अट्रैक्शन मेरी तरफ कैसे बढ़ गया, मैं समझ नहीं पाया उस बात को। पता नहीं कैसे पर इनसे प्यार हो गया। यार एक बार अपनी उम्र तो थी, प्यार करने का मतलब अपनी उम्र से प्यार कर सकते थे आप। ये स्कूल में और भी लड़के होंगे पढ़ने वाले, मतलब सीधा एक इस चीज का जो है ना कोई वो पैमाना नहीं है। प्यार करने की कोई उम्र नहीं, कोई उम्र नहीं है, कोई पैमाना भी नहीं है। और ऐसे क्या नाम है, जब से कोई ऐसे कुछ कानून वगैरह भी आ गए कि दो बालिग लोग चाहे एज कुछ भी हो अपने कमरे के अंदर कुछ भी कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है, कोई वो क्राइम नहीं है। मतलब पर समाज को तो देखो आप, अगर कानून आ गया इसका मतलब उसी समाज उसी लिए तो आपको बुलाया। तो आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 54-55 साल मेरी उम्र है। 54-55 साल आपकी उम्र है। उस लड़की की उम्र देखिए आप कितनी ज्यादा, 20-21 साल की होगी। तो अगर ये कंडीशन ना होती तो आपको बुलाते क्यों हम? अच्छा, बात ये है कि हम जो है रिलेशन थोड़ा ज्यादा क्लोज हो गया, और मैं इनके बच्चे की माँ बनने वाली। क्या, इनके बच्चे की माँ? मतलब आप प्रेगनेंसी से हो? हाँ जी, 3 महीने हो गए। इसी को जो है घर में जब इसके पता लगा तो हमारे सामने बहुत बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई। इसको मारा पीटा गया घर के अंदर, तो मैंने कोशिश करी, एज मेरी भी फैमिली है, उस फैमिली के होते हुए मैंने इसे रिलेशन बनाए। एज ये प्रेगनेंट हम चाहते नहीं थे, पर वो हो गया। अब जब ये हो गया इसके घर में पता लग गया, पता लगने के साथ में उन्होंने क्या इसको मारा पीटा जो भी है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। आखिर मारपीट क्यों, किस लिए? अंकल उसकी उम्र देखो, उसने जो काम करा शादी से पहले, काम गलत है ना? शादी से पहले नहीं, उसका भी एक वजह है। और ऊपर से एक उम्र देखो। नहीं, शादी से पहले बड़े के साथ मंदिर में शादी कर ली थी। मंदिर में शादी कर ली थी। ये माला डाल करके मंदिर में हमने शादी कर ली, तो उसके हिसाब से हमने रिलेशन बना लिए। अच्छा। ऊपर वो तो सही हो गया, पर ये मेरी फैमिली मना कर रही है, इनको मारने के लिए ढूंढ रही है। उसको तो मारा है क्या, वो मेरे पीछे घूम रहे हैं। मेरी फैमिली तो यार, आपकी फैमिली कैसे, कोई फैमिली कैसे आगे कर सकती है इनकी छोटी सी बच्ची? नहीं कर सकती। और आपकी उम्र देखो, इसकी दादा की उम्र क्या? आप वो तुम सही कह रहे हो, वो सब कुछ है, पर ये है कि इसीलिए तुमको याद किया, इसीलिए तुमको बुलाया कि तुम इनकी फैमिली से बात करो। मैं एज है समाज के साथ आपकी पहले परेशानी सुनने आया हूँ, मैं ये नहीं कि मैं आपकी मदद ही करने आया हूँ, मैं पहले आपकी परेशानी सुनने आया हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो अब तुम देखो इस बात को। अच्छा। हमने आपकी परेशानी बता दी, इसके घर वाले, मैंने इसको घर से भी निकाल लिया। अच्छा। इसके घर से मैंने इसको निकाल लिया, इसको घर से मतलब स्कूल से सीधा घर नहीं जाएगा, बैग वगैरह स्कूल आई थी तुम आज? भाग के आ गए ना फिर ये। अच्छा। घर के अंदर इसको टॉर्चर किया जा रहा था, तो मैंने घर से निकाल लिया एज ए प्रेगनेंसी के दौर में, और क्या करती है। अच्छा, तो मतलब आज से पहले भी तुमने बंक कर रखा अपने सर के साथ? जाती नहीं थी स्कूल, मैं हर टाइम बंक ही करके इनके घर चले जाती थी। अच्छा जी। और तुम स्कूल नहीं आते थे, प्रिंसिपल या टीचर कुछ बोलते नहीं थे क्यों नहीं आते, क्या मतलब है? नहीं, स्कूल की मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल स्कूल की क्लासें करनी छोड़ दी। स्कूल के बाद में कितना 12-1 बजे स्कूल खत्म हो जाता है, उसके बाद में 1-2 घंटा आराम से रह लिया, उसके अंदर बहुत कुछ हो जाता है। और वही हुआ। तो अंकल आपको एक बार सोचना चाहिए, तो आपकी बीवी बच्चे, आप भी मैरिड बता रहे हो अपने आपको, तो यार अपने घर वालों को तो ख्याल कर सकते थे तुम, अगर ये छोटे बच्ची है, पर आप तो बच्चे नहीं हो। वो तुम सही कह रहे हो, मेरे को समझना चाहिए था, पर ये हो गया। अच्छा। अब हो गया, उसका सोल्यूशन ये है कि मेरी एज जो है 55 साल के आसपास एज है, इसकी एज कम है, 20 साल के आसपास इसकी एज है, इसको अपना फ्यूचर चाहिए। मैं अपनी प्रॉपर्टी का बाकायदा अच्छा। हिस्सा जो है ना वो इसके नाम करना चाहता हूँ, और ये प्रॉपर शादी के अंदर मेरे यहाँ आ जाए। पैसा ही सब कुछ होता है क्या? एक देखो 55 साल आपकी उम्र कितनी रह गई। मैं इसको इसके फ्यूचर के लिए मेरे प्रॉपर्टी का आधे से ज्यादा हिस्सा मैं इसके नाम करूंगा। अच्छा। अभी फौरन। और तो ये मेरे साथ होता है अंकल, पैसा सब कुछ होता है। आपकी ज्यादा तो 5 साल 10 साल उम्र रह रही होगी, इस बच्ची तो पूरी जिंदगी है। प्यार किया है मैंने अब इनसे,
और मैं इनको छोड़ के जा नहीं सकती। अब मैं जब तक इनके साथ ही रहूंगी मैं मर जाऊंगी वरना नहीं तो। अब जो इतना सब कुछ हो गया है तो इसके तो मतलब तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मतलब मर जाऊंगी मैटर। इसके घर वाले चाहते हैं कि दवाई के जरिए कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी को गिरा दिया जाए, पर ना तो मैं चाहूंगा इस बात को और ना ये चाह रही है। अच्छा, ये मेरे साथ रहना चाहती है, मैं इसको अपने साथ सोच ले। तुम्हारा फैसला है नहीं, क्योंकि बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी, ज्यादा तो 5 साल रह गए होंगे, निकल गया 10 साल रह गए होंगे, पर तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। पता है अभी तुम सिर्फ कौन सी क्लास में हो? तुम बताओ अभी सिर्फ तुम 12th में ही हो। मैं इसके फ्यूचर का पूरा इंतजाम करके जाऊंगा। अच्छा, वो अभी करूंगा पहले ही। और पब्लिक अंकल पैसों से अपना सिर्फ पेट भर सकते हैं, हर चीज थोड़े ना पैसों से कर सकती है। क्या नाम इसका, कोई ना कोई बारिश तो आ रहा है ना, कोई ना कोई बारिश। पर एक कमी तो महसूस होगी ना उसे पति की, हमेशा अपने किसी आदमी कमी तो महसूस होगी ना। अभी तो नहीं है, अभी तो मैं जा नहीं रहा कहीं। एक टाइम के बाद तो चले जाओगे ना, उसकी उम्र तो देखो, बच्ची की उम्र कितने, तुम्हारे पोते की उम्र। एग्री है इस बात के लिए, वो खुद एग्री है इस बात। अच्छा, तो मतलब तुम्हारे घर वाले से तुमने दोबारा बात करके देख लो, कुछ सोल्यूशन निकाल ले वो, तो उनकी बात मान लो। नहीं रहे मेरे यार, घर वाले तो अच्छा ही चाहते हैं ना, सबके घर वाले चाहते हैं मेरे बच्चे साथ अच्छा हो, कोई बुरा नहीं चाहता। हमारे फोन करने का मकसद आपको यही था कि आप इसके अंदर भाई अगर हेल्प कर सकते हैं तो करें। अच्छा, हमने समाज के लोगों को बिठा करके इस बात को करना चाहा, एज ए मैसेज उनके पास पहुंचाया। वो भी समाज के कुछ लोग भी जो है ना, जो उनके इनके घर वाले जो है वो मेरे को मारने के लिए उसके लिए दौड़ रहे हैं। मैंने अपने घर वालों को डरा धमका के बिठा दिया उनको तो। अच्छा अच्छा जी, वो तो मेरी समाज में ये सब समाज का किसी नजरे से ठीक नहीं है। कोई चीज अगर गलत सोचो या आपके साथ हो, आपके कोई चीज अगर गलत हो जाती है उसका सोल्यूशन निकाला जाता है। हाँ, वो सोल्यूशन निकाला जाता है। तो आपके घर वाले क्या सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं? हम वही सोल्यूशन करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि या तो इनको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बस तू दूर हट जाए इस सब चीजों से। यार किसी घर वाले बुरा थोड़ी ना चाहेंगे, सबके घर वाले अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं। और घर में कैद कर दिया, स्कूल भी छुड़वाने को तैयार थे, स्कूल भी छुड़वाने को तैयार थे। मैंने पता नहीं किस तरह से निकाला इसको घर से। अच्छा, तो मतलब क्या चाहती हो तुम, ये बताओ, तुम अपने मन की बताओ, तुम क्या चाहती हो? मैं तो यही चाहती हूँ कि अब मैं इन्हीं के साथ सेटल होना चाह रही हूँ। अच्छा, तो भैया देखो, आप दोनों का अपना फैसला है, अपने कोर्ट में जाओ, पुलिस वाले के पास जाओ, जैसे भी है आप कर सकते हैं। हमने तो आपकी परेशानी सुन ली, अब ज्यादा हम आपके साथ चल सकते हैं, पर हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते अंकल, क्योंकि आपने भी एक गलत काम करा, और ये तो बच्ची है, चलो इसने भी एक गलत काम करा है। मैं समाज को यही समझा रहा हूँ, आप इसको वायरल कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, समाज में समझे इस बात को, एक गलती हो गई है, हम उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं, उसका सोल्यूशन इस वक्त यही है। चलो ठीक है, जो भी होता है मैं तरफ से पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है, और आप लोगों का मैं सपोर्ट करूंगा, पर ये नहीं है कि तुम्हारा साथ दूंगा पूरा पूरा, ठीक है।